खबर झांसी से सामने आ रही है, जहां दीनदयाल सभागार में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के व्यापारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और विषय वस्तु नरेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री मुख्य वक्ता विनीत कुमार अग्रवाल, शारदा प्रदेश संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ विशेष सलील, विश्नोई सांसद झांसी ललितपुर अनुराग शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी रविकांत गर्ग, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड, विशेष अतिथि विधायक रवि शर्मा सभी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आए अतिथियों ने व्यापार सम्मेलन कार्यक्रम की मनमोहन गेंडा को बधाई दी। 99 लाख लोगों को सरकार ने लोन बांटा है, उनके बिजनेस के लिए, उनके उद्यम के लिए, उनके उद्योग के लिए 2,33,000 करोड़ रुपए का लोन सरकार ने बांटा है। इस 4 साल 11 लाख यूनिट का हमने सर्वे कराया था, हर यूनिट के ऊपर 3 लोगों को रोजगार मिलता है। उसका मंडलीय व्यापारी सम्मेलन है और हम लोगों का उद्देश्य एक ही रहता है कि व्यापारियों की एकता जो रहती है वो उसको दिखा प्रदर्शन करना रहता है। साथ ही आप लोगों को मालूम है कि आज झांसी लगभग पूरे बुंदेलखंड में मंडल में संडे का बाज़ार कहीं बंद नहीं रहता है, लेकिन जो भीड़ देखी है आपने व्यापारियों की, वो हम सब व्यापारियों की एकता का परिचय है। आज कौन मुख्य अतिथि कौन रहा है? आज मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान सुरेश खन्ना जी रहे। जो आप लोगों ने समस्याएं रखी हैं व्यापारियों की, क्या है? वैसे समस्या तो कोई रहे, हमारे भाजपा सरकार में कोई नहीं रहती, फिर भी कोई भी समस्या रहती उसको सरकार तत्काल कार्रवाई कर उसका निराकरण कर दे। झांसी से वासु हसन की रिपोर्ट।